हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अप्पा काले। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का टॉपिक है क्रोएशिया का वर्क परमिट क्यों डिले हो रहा है और वीज़ा क्यों डिले हो रहा है, उसका मेन रीज़न है मैं आज आपको बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, समझ आया? आप वीडियो पूरा देखते नहीं, इसके बाद में जस्ट कमेंट करते थंबनेल देख के, भाई लोग पूरा वीडियो देखो, बाद में समझ लो क्या चल रहा है, क्यों नहीं आ रहा वर्क परमिट जल्दी, क्यों डिले हो रहा है, ये बात के लिए बाद में आप ये टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे आज। तो फर्स्ट वर्क परमिट क्यों डिले हो रहा है, वर्क परमिट का और वीज़ा का जो रीज़न है ना, वो रीज़न दोनों का सेम ही, क्यों डिले हो रहा है भाई लोग। यहाँ पे आप भी क्या हो गए, इतना फाइल सारा क्योंकि शैनेगन आने के बाद क्रोएशिया का एकदम डिमांड बढ़ गया है, इसलिए इधर बहुत फाइल सारा है और उनका मेन प्रॉब्लम है स्टाफ शॉर्टेज, इसकी वजह से वर्क परमिट डिले हो रहा है। इधर की स्टाफ शॉर्टेज बहुत है क्रोएशिया के अंदर, और ये लोग अपने जैसे नहीं 10-12 घंटे काम करने वाले लोग नहीं, ये बस अपना जो टाइम है उस टाइम में काम करना है। और इधर मेन रीज़न वर्क परमिट आपको पुलिस स्टेशन से रिश्यू होता है, जिस रीजन में रहेगा वो पुलिस स्टेशन ही आपको वर्क परमिट इशू करता है, तो उनको बस वर्क परमिट का ही काम नहीं रहता, उनके पास दूसरे भी काम होते हैं। इधर सब काम इधर अपने जैसा नहीं, स्पेशल ऑफिस रहेगा ये चीज़ में रहती है, जो भी काम है ना ये TRC, ये वर्क परमिट, ये सब पुलिस स्टेशन से ही होता है, इसलिए स्टाफ शॉर्टेज की वजह से वर्क परमिट डिले हो रहा है। पहले 45 डेज में तो आता था, क्योंकि पहले इतना ये नहीं था, उनके ऊपर लोड नहीं था, लेकिन अभी बहुत लोड हो गया है, तो वो अभी 45 डेज से 60 डेज में, अभी 90 डेज पकड़ के चलो, 90 डेज ही लग रहा है, ऑफिशियली 90 डेज ले रहे हैं अभी वर्क परमिट आने के लिए। इसलिए सबका वो जिसने भी अप्लाई किया है उसका वर्क परमिट आएगा, 93 महीना तो आपको वेट करना पड़ेगा वर्क परमिट के लिए क्रोएशिया का। और वीज़ा का अभी वीज़ा तो स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि शैनेगन आने के बाद इधर थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब सब उनका वेबसाइट का भी प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जिसने फेब्रुआरी मार्च वाले का अभी वीज़ा आ रहा है उनका भी जो काउंसलर रहता है वीज़ा ये करने के लिए, उसका भी शॉर्टेज था क्रोएशिया के एम्बेसी के अंदर, तो अभी उसकी वजह से डिले हो रहा था और अभी